अर्थव्यवस्था को सुगम बनाए रखने के साथ ही शहर में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुंबई की तर्ज पर राजधानी रायपुर में भी ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस बेवजह हॉर्न बजाने वालों को जागरूक कर रही है। समझाइश देने के साथ ही उनके साथ सख्ती भी बरती जा रही है। यदि चालक रेड सिग्नल पर इंतजार के दौरान लगातार हॉर्न बजाता रहेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जैसे ही आवाज का डेसिबल लेवल 85 के स्तर को पार कर जाएगा, सिग्नल का टाइम एक बार फिर से रीसेट कर दिया जाएगा और वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नल पर दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ध्वनि प्रदूषण में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे वाहन चालक जो जो साइलेंसर मॉडिफाई करके चलाते हैं, उनका हम लोग साइलेंसर भी निकाल रहे हैं और उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग कार्रवाई करते हैं। नो पार्किंग में, सीट बेल्ट में भी कार्रवाई कर रहे हैं जो रॉन्ग साइड वाहन चला रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत ही सफल रहेगा और लोगों का सहयोग भी मिलता है और आने वाले सफर में शहर में एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। दमोह की बती